विपरीत परिस्थितियों के बाद भी सपा के मजबूत गढ़ में सहानुभूति लहर के साथ नसीम सोलंकी ने पहले ही प्रयास में वोटों के प्रतिशत के मामले में अपने पति इरफान सोलंकी को भी पीछे छोड़ दिया। परिसीमन के बाद से सपा यहां से लगातार 4 बार जीत चुकी है और इसमें इस बार सबसे ज्यादा 52.36% वोट सपा की झोली में आए हैं। इससे पहले 2022 के पिछले चुनाव में इरफान सोलंकी ने सबसे ज्यादा 50.68% वोट हासिल किए थे। वोटों के जबरदस्त ध्रुवीकरण के चलते बीजेपी ने भी इस सीट पर वोट प्रतिशत तो सुधार कर 45.93% कर लिया, लेकिन दोनों ही दलों के वोटों की संख्या जरूर गिर गई। ये मुकाबला सिर्फ सपा और भाजपा के बीच किस कदर सिमटा हुआ था, आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। चुनाव में 1,33,137 वोटों में से 1,30,864 वोट सिर्फ इन दोनों दलों के प्रत्याशियों के बीच ही बट गए थे। बसपा बाकी दो प्रत्याशियों व नाटो के मात्र 2,273 वोट ही मिले। भाजपा और सपा दोनों ही दलों को पिछले दो चुनाव 2017 और 2022 के मुकाबले कम वोट मिले। इसका कारण कम मतदान था। पिछले चुनाव में भाजपा और सपा के प्रत्याशियों को मिलाकर कुल मतदान का 93.51% वोट मिला था और बाकी वोट दूसरे प्रत्याशियों को मिले थे, लेकिन इस बार ये प्रतिशत बढ़कर 98.29 हो गया। मतों की स्थिति देखी जाए तो सपा और भाजपा दोनों ही 2017 के पहले की स्थिति में पहुंच गए हैं। भाजपा के लिए बड़ा नुकसान है कि वे सपा के वोट कम होने के बाद भी चुनाव हार गई। भाजपा को इससे भी ज्यादा वोट 2022 में 66,897 और 2017 में 67,204 वोट मिले थे। देखा जाए तो 2017 तक सपा की सरकार थी और 2022 में माना जा रहा था कि सपा सरकार बनाने जा रही है। इसके बाद भी भाजपा प्रत्याशियों ने ज्यादा वोट पाए थे। खुद पार्टी नेताओं का मानना है कि भाजपा नेताओं ने अपने वोट ही नहीं निकाले जा सके। पार्टी का रुख था कि मुस्लिम वोट कम पड़े और इसी पर फोकस रहा, जबकि मुस्लिम वोट एकजुट होकर गिरा और पार्टी अपने मतदाताओं के ही घर से नहीं निकाल सकी। अभी इसी वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को 60,848 वोट मिले थे, वहीं इंडी गठबंधन के आलोक मिश्रा को यहां 77,323 वोट मिले थे। अब विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को नसीम सोलंकी को 17,609 वोट कम मिले, वहीं भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को 302 वोट ज्यादा मिले, लेकिन इतने वोटों की बढ़त भी सुरेश अवस्थी के लिए काफी नहीं थी। सबसे बड़ी वजह हिंदू वोटों का बंटवारा है, जिसे भाजपा बटेंगे तो कटेंगे नारे के जरिए रोकने की कोशिश में लगी थी, जो पूरी तरह से काम नहीं आ सकी। इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि टिकट की घोषणा से एन वक्त पहले भाजपा के दलित बिरादरी से आने वाले पूर्व विधायक राकेश सोनकर के अचानक चर्चा में आ जाने से भी दलित के वोट बैंक पर असर पड़ने की बात कही जा रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा के खेमे में भी इस बात को लेकर काफी चर्चा रही, जबकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतों को अपने पक्ष में करने के साथ ही हिंदू क्षेत्रों के हर बूथ पर भाजपा से बराबर की लड़ाई में रही। इसी तरह सीसामऊ क्षेत्र के 60,000 दलित बस्तियों के मतदाताओं में से जिन 49.06% यानी करीब 30,000 मतदाताओं ने मतदान किया, उनका भी सीधे सीधे दोनों पार्टियों में बंटवारा साफ साफ दिखा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दलित वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए रणनीति के तहत काम किया गया, जिसमें आंशिक सफलता ही मिल पाई। आमतौर पर बस्तियों के मतदाताओं को लेकर ये कहा गया है कि उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए कुछ खास तरह के इंतजाम पार्टियों को करना होता है, वह पार्टी प्रत्याशी की ओर से किया जाता है, जो भाजपा की तरफ से उस तरीके से नहीं हो पाया जैसे होना चाहिए था। ये हार की दूसरी बड़ी वजह है। भाजपा ने जिस तरह घर घर से मतदाताओं को निकाल कर बूथ तक ले जाने की योजना बनाई थी, वह पूरी तरह से कारगर नहीं हो पाई। इसकी वजह ये रही कि कार्यकर्ता मतदाता को घर से निकालने में कामयाब नहीं हो सके। विधानसभा क्षेत्र में ऐसे भी माहौल और गलियां रहीं जहां प्रचार तो खूब हुआ लेकिन लोग कम निकले। इसके उलट समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में पूरी तरह से कामयाब रही। उसने मुस्लिम क्षेत्र के साथ ही हिंदू क्षेत्रों में बराबर की रणनीति बनाई थी। इसके साथ सपा प्रत्याशी की भावनात्मक छवि ने रही सही कमी भी पूरी कर दी। इसकी वजह से उन्हें बस्तियों के अलावा सिख, सिंधी, पंजाबी, पिछड़ा, वैश्य सभी समाजों से कम ज्यादा वोट हासिल हुआ।
जो उनकी जीत की वजह बना। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।